हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा। निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं निशा की रसोई में बनाने जा रही हूँ खरना के जो व्रती खाकर व्रत रहते हैं, चना और लौकी की दाल। उस दाल को मैं बनाऊंगी, बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी जैसे गांव घर में बनती है। और इसका स्वाद सबको बहुत पसंद आएगा। जब देसी घी का तड़का लगता है तो ये दाल खाकर मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी छठ, और ये दाल ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। छठ मैया आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने लौकी को बारीक कट कर लिया है। छठ के नहाए खाए के दिन इस लौकी और चने की दाल बनती है, जो कि बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। सिंपल तरीके से बनती है मगर खाने का स्वाद बढ़ा देती है। इसी को खा के ना जो व्रती व्रत रहते हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक कुकर में अपनी सारी कटी हुई लौकी को डाल लूँगी, और साथ ही यहाँ पर मैंने 500 ग्राम करीब लौकी ली है। और ये आप दाल देख सकते हैं, मेजरमेंट से कटोरी से मैंने 2 कटोरी ये दाल ली है। अब इसे मैंने 10 मिनट पहले ही धुल लिया था। लौकी को भी 3-4 पानी से धुल कर मैंने लिया है कट करके, और चने की दाल को भी 3-4 पानी से मैंने धुल लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे एक घंटे पहले ही चने की दाल को धुल कर रख दीजिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे और कम टाइम लगेगा पकने में। तो अब यहाँ पर मैंने दाल ले ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये दाल थोड़ी गाढ़ी होती है, अगर आपको पतली पसंद है तो उस हिसाब से भी बना सकते हैं, मगर ये गाढ़ी दाल अच्छी लगती है। यहाँ पर हम थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे 1/2 चम्मच करीब, और पानी डालेंगे। लौकी भी पानी छोड़ता है तो उस हिसाब से हमको पानी यहाँ पे ऐड करना है। फ्रेंड्स, बस इतना पानी काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास करीब पानी डाला है, आप देख सकते हो। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो बस इतना पानी डाला है कि चने की दाल अच्छे से भीग गई है और लौकी के ऊपर तक पानी हल्का सा बराबर लेवल में आ गया है। फ्रेंड्स, लौकी और चने की दाल अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जिस हिसाब से आपको पसंद हो कम ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं करीब इस चम्मच से, ये छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच मैं नमक डालूँगी। और अब इस पे हम विसल लगा देंगे, इसकी लीड लगा देंगे कुकर का ढक्कन, और इसे हमें 3-4 सीटी आने तक पकाना है। उसके बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने ढक्कन लगा लिया है, अब 4 सीटी तक हमें इसे पका लेना है, फिर हमारी दाल रेडी हो जाएगी, फिर आगे का तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी लौकी की दाल अच्छे से रेडी हो गई है। इस तरह से ये गलकर तैयार होती है 4 सीटी में, और इतनी ही गाढ़ी रहती है। जब ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। और 4 विसल मैंने लगाया है इसमें, और जब सीटी इसमें की निकल गई तब मैंने इसका ढक्कन खोला है। अब इसके हम तड़के लगाते हैं। तो पहले जो ये थोड़ी सी दाल को हम घोट लेंगे, जिसे हम किसी भी आप कलछुल या फिर आप जिससे दाल मठा मरा जाता है उससे भी आप मह सकते हो। अगर आपको खड़ा पसंद है तो इस तरह से ही रहने दीजिएगा, अगर थोड़ी सी मैशी दाल पसंद है तो इसको अच्छे से इस तरह से घोट लीजिएगा, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं दाल के तड़के के लिए यहाँ पर देसी घी ली हूँ 1 कलछुल करीब, थोड़ा सा कम है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसे तड़का लगा सकते हैं, लेकिन जो व्रती के लिए बनाया जाता है ये दाल, तो उसमें देसी घी का ही तड़का लगाया जाता है। और गैस को मैं अब ऑन कर दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीका लगता है मगर दाल इतनी स्वादिष्ट होती है। आपको भी पता है कि प्रसाद में जो चीज़ बनती है उसका स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पर हम घी को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपना जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, और इसके बाद इसमें हम 3-4 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तड़का अच्छे से क्रैकल हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ये बाहर आ गया, क्योंकि जब हम हरी मिर्च डालते हैं, मैंने बर्तन छोटा लिया है, कलछुल लिया था, तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है जब हम हरी मिर्च डालते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें नून डालेंगे 1 पिंच, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही केयरफुल होकर आप तड़का लगाइएगा, क्योंकि ये तड़का थोड़ा सा छटकता भी है जब हम मिर्च डालते हैं। तो इसे अच्छे से हमें ब्राउन होने देना है,
और देसी घी की खुशबू पूरे घर में महक गई है। इतनी अच्छी ये दाल बनकर रेडी होगी जब इसका ये तड़का लगेगा। बिल्कुल सिंपल होगा मगर बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा तड़का बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम अपने दाल में डाल देंगे और दाल पे ढक्कन लगा देंगे जिससे कि इसका स्वाद घी का इसी में रहे और बहुत ही स्वाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खरना का दाल बनकर रेडी हो गया है। जो व्रती कल रहेंगे, पूरा दिन उपवास रहते हैं, आज यही दाल खाकर, दाल और चावल के साथ इसे खाया जाता है, तो खाकर कल के दिन पूरा दिन व्रत रहते हैं, फिर शाम को गुड़ की खीर और धोती खाकर अपना व्रत खोलते हैं। धोती खाकर व्रत खोलते हैं, फिर वही गुड़ की खीर और जो अब बखीर बोली जाती है गांव में, और धोती को खाकर दूसरे दिन जो व्रत रहते हैं वो पूरा दिन 24 घंटे निराजल व्रत रहते हैं। अगले दिन जाकर वो सूर्य देव को अर्घ देकर ही व्रत खोलते हैं। तो ये दाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, सबको पता होगा जो व्रत रहते हैं जो खरना का, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और ये बनता है जो ये दाल, तो जितने भी परिवार के सदस्य हैं और आस पड़ोस जो भी व्रत रहते हैं तो उनमें मिल बांट कर ये खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो फ्रेंड्स, चने दाल की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। अगर आपके फ्रेंड्स में कोई भी छठ माता का व्रत रहता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। तो बोलिए छठ माता की जय। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कल मैं फ्रेंड्स बखीर और धोती की भी रेसिपी डालूंगी, और मेरी नेक्स्ट रेसिपी भी खस्ते की भी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठेकवे की भी रेसिपी मैंने कल डाली थी, आप वहां से भी मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं खस्ते की भी रेसिपी आज डालूंगी, तो फिर आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, तो फ्रेंड्स लाइक के साथ कमेंट जरूर करिएगा अगर आप मेरी वीडियो पसंद आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।